इंडिपेंडेंस डे एक एनुअल डे सेटल किया गया है 27 जनवरी जिसकी तिथि निर्धारित की गई है, जब खासकर नाजी जर्मनी ने ज्यूस के साथ जो होलोकास्ट किया उसकी पृष्ठभूमि में इसे सेटल किया गया कि इस डे को एज होलोकास्ट डे हम सेलिब्रेट करेंगे या इसको मनाएंगे या रिमेम्बरेंस डे इसको करेंगे। अब ज्यूज ने ये अपनी मेहनत से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी दूरदर्शिता से ये निर्धारित किया कि यूनाइटेड नेशंस भी इस डे को डेजिग्नेट करे, सारी दुनिया को पता चले कि उनके साथ क्या हुआ, उनके जो परपेट्रेटर्स थे उन्होंने उनके साथ किस किस तरीके से दुर्व्यवहार किया, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में भी आगे मार्ग प्रशस्त हो सके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में और इंडिया में भी विद इन जम्मू कश्मीर इतने जीनोसाइड्स और होलोकास्ट्स हुए हैं कि आज तक आज़ादी के बाद भी हमने एक बार भी उसकी चर्चा नहीं की, उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया, उसके स्टैटिस्टिक्स हमने ऑफिशियल चैनल्स के जरिए जनरेट नहीं किए। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद की बात भी छोड़ दीजिए, इससे पहले भी जब से इस्लामिक इन्वेजन्स पूरे इंडियन सिविलाइजेशन पे स्टार्ट हुए, चाहे वो 7वीं शताब्दी से ले हों या मोर प्रिसाइजली फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, हमने कभी भी उन जीनोसाइडल प्रोसेसेस की बात नहीं की, हमने कभी भी उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया, और इसी कारण हमारे साथ इतने अनगिनत जीनोसाइड्स और होलोकास्ट्स हुए जो हमारी मेमोरी में भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत वेलकम मूव है जम्मू कश्मीर में, खासकर ये पूरे भारतवर्ष के लिए मैं कहूँगा विद इन जम्मू कश्मीर, कि इस डे की जो सेलिब्रेशन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक रिमेम्बरेंस डे के तौर पे यहाँ पे भी इसे इनिशिएट किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर प्रोविंस में किस तरीके से ये जीनोसाइडल प्रोसेसेस चले। वहाँ पे अगर नाजी जर्मनी था तो यहाँ पे इस्लामिक जिहाद था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म थी, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म थी। और मैं बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटलिज्म इज़ द एसेंस ऑफ इस्लाम, इट इज़ नॉट अ डिविएशन। तो इसीलिए इस एंगल पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा कि क्यों हमें ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जम्मू कश्मीर में जीनोसाइडल प्रोसेसेस को लेके जम्मू से कश्मीर से आवाज़ आना क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। किसी भी सिविलाइजेशन के लिए जो सिविलाइजेशनल मेमोरी होती है, याद रखना कि आपके साथ क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, वो आपके लिए, आपकी सिविलाइजेशन के लिए इम्यूनिटी का काम करता है। आपकी मेमोरी जो है वो आपकी इम्यूनिटी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन करने वाले थे, तो फ्यूचर में आके आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट ये रहा हमारे पे कि आपको हर वो बुरी चीज़ जो आपके साथ हुई है, चूँकि वो बुरी थी इसलिए आपको उसे भूलना है। तो मुझे लगता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि हम इस फैक्ट को रिकग्नाइज़ करें कि एक सस्टेन्ड एफर्ट के ज़रिए हमें भूलने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण हमने अपनी इम्यूनिटी लूज़ की। और जिस तरीके से फिर आपने बताया कि मैं रीसेंट पास्ट की बात करूँगा, कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड जो हुआ, और उसके बाद जम्मू प्रोविंस में खासकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ एरियाज़ में हमारे कितने ही डोगराज और कितने ही जम्मू के जो निवासी थे उनको, उनका कत्लेआम हुआ, उनके मैसेकर्स हुए, 70-70 लोगों को मारा गया, जिस तरीके से धुम्बाल साहब ने भी बताया, बारात की बारात पूरी बसों से निकाल के उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। हमें ये रिकग्नाइज़ करना है कि इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन्स और विद इन इंडिया जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक में इस्लामिक जिहाद ने ऑपरेट करके इन जीनोसाइडल प्रोसेसेस को और होलोकास्ट्स को अंजाम दिया। अब देखिए, एक बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो जाती है जब भी हम इस चीज़ की बात करना शुरू करते हैं, तो पहला अटैक जो हमारे पे आता है वो ये आता है कि शायद आपको इस्लामोफोबिया है। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स अ पीस लविंग पीपल, 99.9% जो मुस्लिम्स हैं वो रेडिकल इस्लाम या रेडिकल एक्सट्रीमिज्म इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, और वो भी इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको प्रेसिडेंट बराक ओबामा, US प्रेसिडेंट्स के मुंह से भी निकली हुई आपने सुनी होंगी, हिलेरी क्लिंटन,
हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप, यहाँ का सेक्युलर पूरी इस्टेब्लिशमेंट वो ये आपको कह के डिस्करेज करते हैं या आपको कोई भी बात करने से मना करते हैं, आप पे डायरेक्ट हमले होते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में या जो इन इस्लामिक जिहाद का जो जीनोसाइडल प्रोसेसेस का मॉडस ऑपरेंडाई है, उसमें तीन तरीके की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया का जो आंसर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1.6 बिलियन मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में और इनकी तीन लेवल्स में, तीन लेयर्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहली लेयर आ गई जो आर्म्ड जिहाद करते हैं, जो बम फोड़ते हैं, जो 26/11 करेंगे, जो 9/11 करेंगे, जो सुसाइड अटैक्स करेंगे, आइसिस हो गई, लश्कर ए तैयबा हो गई, जमात JEM हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गई, कितनी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो आर्म्ड जिहाद करती हैं, दीज आर आर्म्ड जिहादीस। इसके अलावा एक 30-40% का वर्ग है पूरे मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, विच कैन बी टर्म्ड एज इस्लामिस्ट्स। इन लोगों का काम है कि आपको इंटरवेंशंस करके सरकारें चेंज करवानी है, आपको हमले नहीं करने, आपको खुदकुश हमले नहीं करने, बम नहीं पड़वाने, लेकिन आपको सरकारें चेंज करवानी है, आपको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के लेजिटिमेसी अटेन करके ऐसे कानून बनाने हैं कि आप जिहाद के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, आपको उन लोगों को डिस्करेज करना है जो इस जिहाद के खिलाफ लड़े, ताकि जिहाद का एंटायर प्रोसेस चलता रहे। उनके मीन्स और काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन सिंक विद देम ही काम करेंगे। वो पुलवामा अटैक को भी जस्टिफाई करेंगे, वो 26/11 को भी जस्टिफाई करेंगे, वो अपोस्टेसी के लिए डेथ सेंटेंस अगर किसी को किसी ने दी, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको भी जस्टिफाई करेंगे। और रिमेनिंग जो हैं, जिसमें तकरीबन 99.9% मुस्लिम्स भी कवर हो जाते हैं, वो फंडामेंटलिस्ट्स हैं। कोई भी मुस्लिम ये नहीं कहेगा कि कुरान की किसी वर्स से मैं डिसअग्री करता हूँ या किसी हदीस से मैं डिसअग्री करता हूँ। वो जस्टिफाई करेंगे इस्लामिक जिहादिस्ट के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कि अगर इन्होंने मारना चलो गलत है, लेकिन जो कारण था वो मारने का ठीक था। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट दीज फंडामेंटलिस्ट। तो मैं सब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, 1.6 बिलियन मुस्लिम्स, उसमें आर्म्ड जिहादीज, इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट हैं। ब्रीफली मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी और ये तीनों सेगमेंट्स इन सिंक काम करती हैं और इनका इन सिंक काम करना ही इन जीनोसाइडल प्रोसेसेस को सर अंजाम देता। अब जो सबसे डेंजरस है, बेशक उनकी संख्या कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है जो आर्म्ड जिहादी है, लेकिन एक बम पूरा शहर किस तरीके से सोचता है, उठता है, काम करता है, एक बम का फटना वो तय कर देता है कि अगले दिन से और आने वाले समय के लिए वो किस तरीके से सोचेगा। तो सबसे डेंजरस, मैं जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक बात करता हूँ, बहुत 1947 की भी बात हुई, प्रोफेसर साहब ने स्टैटिस्टिक्स के जरिए वो बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इन आर्म्ड जिहादिस्ट की स्ट्रेंथ आपके सामने ये लेके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बम, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना मैं जम्मू कश्मीर से बाहर की बात कर रहा हूँ, ना मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, ना मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में टोटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आर्म्ड जिहादीज जिन्होंने इन जीनोसाइडल प्रोसेसेस और होलोकास्ट को अंजाम दिया, उनकी संख्या है 42। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी जंग और हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है। मैं आपके लिए नाम पढ़ के, ये जो डेटा मैं आपके लिए लाया हूँ, जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल उमर मुजाहिदीन, दुख्तरन ए मिल्लत, आपका हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहादी इस्लाम, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, जमायतुल मुजाहिदीन, जमायत ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इस्लामिक स्टेट, दाइश, ISI की भी प्रेजेंस यहाँ पे है, लश्कर ए तैयबा, अल बर्क, अल बदर, ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर ए जब्बार, मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, तहरीक ए मुजाहिदीन, मुस्लिम मुजाहिदीन, अंसर गजवात उल हिंद, ये हो गई आपकी 22। इसके अलावा 19 ऐसी हैं जिनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है क्योंकि मटेरियल सपोर्ट या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के कारण थोड़े अभी अंदर हैं, लेकिन फिर भी इन सिंक में रह के ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पे मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो कर रहे हैं। अल जिहाद फोर्स, अल मुजाहिद फोर्स, अल मुस्तफ़ा लिबरेशन, इखवान उल मुजाहिदीन, इस्लामी इनकलाबी महाज, इस्लामी जमात तुलबा स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, कश्मीर जिहाद फोर्स, महज आज़ादी, मुस्लिम जांबाज फोर्स, पीपल्स लीग, तहरीक हुरियत कश्मीर, तहरीक जिहाद इस्लामी, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल मंसूर। 42 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं, जिहाद के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के बाकी
इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट का पूरा सहयोग उन्हें शामिल है, और हम ये कहते हैं कि जब हम इस रेडिकल इस्लाम की बात करें तो ये इस्लामोफोबिया है। ये इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट कैटेगरी के लोग जो हैं वो सबसे पहले आपके आप पे हमला करेंगे और ये कहेंगे जी 5000 कर लो। कौन सी? एनसी पीडीपी। ये मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इनकी इनकी जो प्लेसमेंट है, इनकी प्लेसमेंट जिहादी आर्म्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी में नहीं है, इनकी इस्लामिस्ट्स की कैटेगरी में है। कैटलिस्ट के अलावा भी ये वो एंटिटीज़ हैं, ये वो पार्टीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में घुस के लेजिटिमेसी अटेन करके जिहाद को आगे बढ़ाती जैसे, और हमने इनको डिफीट किया, हमने इनको डिफीट किया। इन्होंने रोशनी कानून बनाया, हमने रोशनी कानून 4 साल लड़ के उसे ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। इन्होंने 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, जिसे सेक्युलर ऑर्डर कहते हैं, वो निकाला, जिसके जरिए कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज़मीनों पे कब्जा कर सकते हैं और गौहत्या कर सकते हैं, हमने उसे निरस्त करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी सारे माइनॉरिटी बेनिफिट्स मुसलमानों को देने का कार्यक्रम शुरू किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 साल लड़ाई करके उसे भी ध्वस्त करवा दिया। हालांकि अभी तक इनको शर्म नहीं आई है, अभी तक भी जो बेनिफिट्स है दे रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि ये जो और ये डेंजरस है, ये जो और ये हैं डेंजरस हैं। अब वैसे ही जीनोसाइडल प्रोसेसेस मारना तो छोड़िए, मारना तो आपके सामने है ही, ये प्रोफेसर साहब ने बताया कि 70 लोगों को मारा, 18,000 लोगों को मारा, वो सब चीज़ें हैं जो इनका काम है। इनका एक और डेटा मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आई एम हैंडलिंग विद इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ओनली, और जिसके कारण ये मेरे पास एक डेटा है क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करें और आइडियाज़ के लेवल पे ही बातें ना ख़त्म हो। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन आइडियाज़ को लेके ये इन जो इनके एजेंडाज़ हैं उन्हें मैनिफेस्ट भी करते हैं, उसे एक शेप भी प्रोवाइड करवाते हैं। 2000 से लेके 2017 के बीच में, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डेटा की बात करूँगा, कोई प्रोपेगेंडा की बात नहीं करूँगा, और जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने आपको नाम भी बताए ये भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे हो सकता है तालाब खटीका में भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, लेकिन मैंने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की ताकि एक हमें आभास हो जाए कि हमारी लड़ाई जो है वो है किसके साथ है। देखिए 2000 से 2017 का डेटा बताऊँगा सुसाइड अटैक्स का, केवल खुदकुश हमलों का सिर्फ जम्मू कश्मीर। ईयर 2000 में आप पे दिसंबर 25 को बटवाड़ा श्रीनगर में, एक बटवाड़ा श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद अल उमर, इन्होंने टेररिस्ट सुसाइड अटैक किया जिसमें 9 लोग मारे गए और 14 जख्मी हुए। टारगेट था लोकल आर्मी हेडक्वार्टर्स। 2001 में 7 सुसाइड अटैक्स हुए, 7। हम सीधे मरने मारने वाली बात अभी कर रहे हैं, अभी कानून या वो जो जीनोसाइडल प्रोसेसेस हैं उस पर भी आए नहीं, ये सीधे मरने मारने वाली बात है। सिर्फ 2001 में 7, अमेरिका में 1 हुआ, उन्होंने सबको लिटा के रख दिया, और यहाँ हमारी आदत बनी है कि हर साल 7, 14, 10, 15, और उसके बारे में हम बात नहीं करते। होलोकास्ट नाजीज के साथ हुआ, आज की डेट में यूएन के जरिए 24 से अधिक कंट्रीज ने होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के लिए तिथि निर्धारित करके उसे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, और हमारे पास हमें ये डेटा ही नहीं पता है कि कितनी बारातों को उतार के डोडा में भद्रवा में मार दिया था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, जो परपेट्रेटर्स थे उनके लिए एमनेस्टी और उनके हाथ में ही सत्ता सौंप के उन्हें आगे बढ़ाया गया जिनकी जगह जेल में थी। तो ये तभी होता है जब आपकी मेमोरी, जो आपकी इम्यूनिटी है किसी भी सिविलाइजेशन की, आपको समझा दिया जाता है कि वो आपको नहीं रखनी है, आपको इम्यून नहीं रहना इन चीज़ों से। 2001 में 95 इन 7 सुसाइड अटैक्स में 95 लोग मारे गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं और टेररिस्ट तो कम भी होते हैं, उनकी भी संख्या इसमें शामिल है, 5-7 आप मान लीजिए, और 49 पीपल गॉट इंजर्ड। 2002 में 8 खुदकुश हमले हुए जम्मू कश्मीर, 8 सुसाइड अटैक्स, जिसमें टोटल डेड 80 और इंजर्ड 123। 2003 में 6 खुदकुश हमले हुए, 44 मारे गए, 44 जख्मी। 2004 में 5 खुदकुश हमले हुए, 56 पीपल डाइड, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन का हमला भी शामिल है,
पुलिस बस पे हमला शामिल है, पीआईबी एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जेएंडके गवर्नमेंट आर्मी कॉन्वाय पे हमला शामिल है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की पब्लिक मीटिंग को लेके भी कोई हमला है किसमें शामिल है। 2005 में फिर 8 सुसाइड अटैक्स हुए, इसमें आप ये संख्या देखिए कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, 47 लोग मारे गए, 146 जख्मी। 2006 में 27 लोग मारे गए, 2007 में 4 खुदकुश हमले हुए, 8 में 1, 9 में 1, 2010 में 1, फिर 2013 में 3, 2014 में आपके 2 हुए, 6 हुए आपके 2015 में, 2016 में 4 हुए और 2017 में 3 इसमें हमले हुए। और एक और डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये जो टेररिस्ट एक्ट्स थे इस पीरियड के बीच में, इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें 26,226 जो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, जिनको आप 10 से या 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अनडिस्प्यूटेड हैं, जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स हैं, 26,226 लोग 1988 से 2000 के बीच में यहाँ पे इस्लामिक जिहाद के कारण मारे गए। और हम इसकी बात नहीं करते, और आज हम पहली बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डू वी रियली नीड टू लुक विद इन कि हम किन ख्वाबों ख्यालों में रह रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ, जब उस चीज़ का आभास ही हमें नहीं होगा तो लड़ने की क्षमता, लड़ने की तैयारी कहाँ से आएगी। तो इसलिए मैं जेके यूनिटी फाउंडेशन को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया। और हम कभी भी एब्जॉल्व नहीं करना चाहते, एब्जॉल्व नहीं करना चाहते इस्लामिस्ट्स और फंडामेंटलिस्ट्स को, मैंने क्लियरली ये कहा, फ्रॉम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर ऑल वन, उनके एजेंडाज को आपको समझना पड़ेगा, उनके मॉडस ऑपरेंडाई को आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके के डेटास हमें स्तब्ध कर देना चाहिए, हमें जब पता चले कि एक साल में 80 लोगों को मारा गया और इस्लामिक जिहादिस्ट इन कन्नाइवेंस विद इस्लामिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट विच प्रैक्टिकली कवर्स द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुझे लगता है कि हमें तैयारी थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए, और उस बड़ी तैयारी की पृष्ठभूमि में इस तरीके के प्रोग्राम्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और यहाँ पे आज एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि 27 जनवरी या फिर हम कोई लोकल इंसिडेंट्स के हिसाब से कोई और दिवस भी लोकली, क्योंकि वाई शुड वी गो अकॉर्डिंग टू द नाजी जर्मनी होलोकॉस्ट, हमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक डे चुनना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हर वर्ष उस दिन सेमिनार्स, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और आज अगर हम कम संख्या में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सॉल्यूशंस जो इनके हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उन सॉल्यूशंस को इस तरीके के दिवसों पर डिस्कस किया जाएगा तो पब्लिक सपोर्ट भी और बढ़ेगी और हमारे जो आघात इन पर होंगे वो और डेडली होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।